क्या आपको पता है सही तरीके से कंजक बिठाने के लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है कन्याओं को देने के लिए। मुझे भी इस बारी कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो कि आपके नेक्स्ट टाइम कन्याओं के लिए हेल्प करेंगी। सच में इस टाइम तो इस ट्रिक ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी। मैं आई थी वसंत कुंज मॉल, जहाँ पर बेसमेंट में जाके एक ऐसी शॉप है जहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आप टॉयज ले लो या फिर बच्चों के बैग्स ले लो, सब कुछ अवेलेबल होता है। और कहा जाता है अगर आपको कन्या को कुछ देना है तो उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही कुछ देना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर बैग्स लिए थे उनके स्कूल के लिए, छोटी छोटी कन्याएं आती हैं हमेशा घर पर, तो मैंने ऐसे क्यूट क्यूट से बैग्स लिए थे ताकि सभी को वो पसंद आए। और फिर मैं देख रही थी दूसरी चीजें जो थी पेन भी मैंने ले लिए थे, और उसके बाद घर में सजाने वाला कुछ सामान, क्योंकि हमारा घर रेनोवेट हुआ है जिस वजह से हमें और सामान लेना है किचन का, तो मैं किचन का भी सामान ले रही थी। अब देखोगे यहाँ पर हर एक सामान इतना महंगा है कि पूछो मत। इससे अच्छा है कि आप लाजपत नगर से जाकर ले लो या फिर चांदनी चौक से जाकर ले लो। खैर मैंने काफी सारा सामान ले लिया था। उसके बाद बारी आई टॉयज लेने की, वो थे मेरे गुची और ब्राउनी के लिए टॉयज। उन दोनों के लिए टॉयज लेना बहुत जरूरी है वरना वो गुस्सा हो जाते हैं। वो लेने के बाद फिर हमने ली काफी सारी चॉकलेट्स। कन्याओं में ऐसा होता है जितना दो उतना कम, क्योंकि जब मैं भी कन्या बनती थी तो मैं भी हमेशा ये सोचती थी यहाँ से क्या मिलेगा वहाँ से क्या मिलेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरे घर पर जितनी भी कन्याएं हैं उनको वो सब चीजें मिले जो वो सोच रही हैं। तो यहाँ पर मैंने काफी सारी चीजें सभी के लिए ले ली थी। उसके बाद मैं आगे गई, मैंने सोचा इतना इनफ नहीं है और भी कुछ लेना चाहिए। मेन चीज जो मुझे लेनी थी वो थे पेन और बैग्स, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर आप चाहें तो आप एक नोटबुक भी दे सकते हो, लेकिन नोटबुक यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने नोटबुक नहीं ली। बाकी मैंने काफी सारा सामान देखा और देखा उसमें क्या क्या प्राइस लगा हुआ है, क्योंकि आजकल ना प्राइस हम लोगों को पता ही नहीं होता। हम लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग करने का जो जरिया हो गया है ना, हमें एक्चुअल प्राइस नहीं पता होता किसका कितना चल रहा है। उसके बाद मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसको देखकर मैं हैरान रह गई। ये रेड कलर के बनानास मैं देखकर इतना हैरान रह गई पूछो मत, मुझे पता ही नहीं था रेड कलर के बनाना होते हैं। मैंने बचपन में देखा होगा बट आई डोंट रिमेम्बर। आज मैंने दोबारा देखा, उसके बाद मेरे भाई ने एक कलाकारी दिखाई। यहाँ पर पाइनएप्पल रखा हुआ था जिसका जूस वो अपने आप बना रहे थे। वो अपना कुछ ना कुछ काम करने लग गया और मैं निकल गई। यहाँ पर एक प्यारी सी आंटी दिखी जो कि हमारी वीडियोस देखती है, बहुत प्यार करती है हमें। उसके बाद मैंने सोचा जूस भी ले लेते हैं, उनको जूस भी पीना होगा, तो मैंने एक पूरा जूस का बॉक्स निकाल लिया। कहा जाता है बाय वन गेट वन नहीं लेना चाहिए, तो मैंने दूसरा वाला जूस का बॉक्स लिया। उसके बाद मैं चली गई घर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, कमेंट्स करके बताना। बाय बाय।